किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक आज शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी मीटिंग। अभी भी पंजाब और हरियाणा की सीमा पर डटे हैं किसान। पंजाब के किसानों ने 13 फरवरी को किया था दिल्ली कूच। शंभू और खनौरी के पास किसानों को रोका गया। फोर्स की मौजूदगी के चलते आगे नहीं बढ़ पाए किसान। किसानों ने बॉर्डर पर ही डेरा डाला। पटियाला में बीजेपी नेताओं के घर के बाहर किसानों का धरना आज भी रहेगा जारी। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और केवल सिंह ढिल्लो के घर के बाहर धरने पर किसान नेता। पंजाब में किसान नेता आज बंद कराएंगे टोल प्लाजा। किसान संगठनों ने किया पूरे पंजाब में टोल बंद कराने का ऐलान। शनिवार को भी संगठन ने फ्री कराए थे टोल प्लाजा। लुधियाना में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। किसान आंदोलन को लेकर होगी अहम मीटिंग। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के करीब शुरू होगी बैठक। आज होने वाली बैठक से पहले शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान बोले मीटिंग में पॉजिटिव रिजल्ट निकलने की उम्मीद। किसानों को पीएम मोदी से काफी उम्मीदें। किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद। 19 फरवरी रात 12 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बाधित। भारतीय किसान यूनियन के मासिक पंचायत में बोले राकेश टिकैत, 26 और 27 फरवरी को हाईवे पर होगा प्रदर्शन। हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक दिल्ली की तरफ मुंह करके हाईवे पर खड़े किए जाएंगे ट्रैक्टर। किसान नेता राकेश टिकैत बोले 21 फरवरी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने की तैयारी। टिकैत बोले लंबा चलेगा आंदोलन, देर से होगी सुनवाई। पूरी तैयारी के साथ आए हैं पंजाब के किसान। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मॉडिफाइड बसें भी लेकर आए किसान। बसों की सीट का बेड की तरफ से हो रहा इस्तेमाल। शंभू बॉर्डर पर किसानों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स तैनात। आधुनिक उपकरणों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। हाईटेक उपकरणों से लैस दिखे जवान। संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शिवप्रसाद उर्फ शिबू हाजरा गिरफ्तार। आरोपी को आज किया जाएगा बशीरहाट कोर्ट में पेश। जमीन हड़पने और महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप। संदेश खाली हिंसा पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। कहा पुलिस प्रशासन कर रहा है अपना काम। बोले शिबू हाजरा की गिरफ्तारी से साबित नहीं होता कि आरोप सही है। संदेश खाली हिंसा पर बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल का बयान। ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा सब कुछ ममता बनर्जी की सरपरस्ती में हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के निशाने पर ममता सरकार। कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब। लगातार हो रही घटनाओं से सवालों में ममता सरकार। कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ आज शाम बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। इस दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को बीजेपी में शामिल कराने के बाद मोहन यादव 22 फरवरी को छिंदवाड़ा जाएंगे जहां कुछ और कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने करीब 2 से 3 दिन पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी बात की थी। कमलनाथ पार्टी के कामकाज के तरीके से बेहद नाराज। कमलनाथ को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। हालांकि अभी तक कांग्रेस से कमलनाथ ने नहीं दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ के करीबी विधायकों का दावा। 19 फरवरी को बेटे के साथ कमलनाथ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। 10 से 12 विधायक, 2 नगर अध्यक्ष और 1 महापौर भी थम सकते हैं बीजेपी का दामन। कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का नहीं किया खंडन। बोले ऐसी कोई बात होगी तो बताऊंगा। कमलनाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटाया। कहा जहां कमलनाथ के कदम वहां सज्जन सिंह वर्मा के कदम। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को बताया भ्रामक। कहा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की बात। कमलनाथ के करीबी कांग्रेस विधायक का लखन घनघोरिया का बयान। कहा कहीं नहीं जा रहे कमलनाथ। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर बोले कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल का उनकी सेवा को देखते हुए ऐसा नहीं लगता। झारखंड में कांग्रेस के 4 विधायकों को चंपई सोरेन सरकार में शामिल करने से नाराज। 8 विधायक दिल्ली पहुंचे। आज सुबह 11 बजे के लगभग पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर। विधायकों की नाराजगी के सवाल पर दी सफाई। कहा मंत्रिमंडल के गठन के बाद शिष्टाचार मुलाकात के लिए आया हूं दिल्ली। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन भी दिल्ली पहुंचे। सीटों के तालमेल और गठबंधन में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर कांग्रेस के नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। झारखंड के मौजूदा सियासी हालात पर बीजेपी का प्रहार। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड में सरकार नहीं
सरकर और लाफ्टर शो चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी 7 मार्च को बंगाल का दौरा करेंगे। बारासात जिले में महिलाओं को संबोधित करेंगे। बारासात जिले में ही पड़ता है संदेश हल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा आज प्रयागराज पहुंचेगी। यात्रा की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन से होगा। कटरा इलाके में बेरोजगार युवाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। शनिवार को वाराणसी से अचानक केरल जाने की वजह से राहुल के प्रयागराज के कार्यक्रम में फेरबदल हो गए। बदले हुए कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी आज दोपहर 2:30 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंचेंगे। चंदौली और वाराणसी की यात्रा के बाद राहुल ने शनिवार को रद्द की भदोही की यात्रा। वायनाड हुए रवाना। वायनाड से लौटकर प्रयागराज से दोबारा शुरू करेंगे यात्रा। राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ दर्शन पर नाराज दिखी कांग्रेस। कहा मंदिर में नहीं दी कैमरे ले जाने की इजाजत। मंदिर प्रबंधन ने जलाभिषेक का फोटो भी नहीं शेयर किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुकी कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी। मौजूदा विधायकों को लोकसभा के चुनाव मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। कर्नाटक के मंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, फिर दोहराया बीजेपी जीती तो भविष्य में नहीं होगा कोई चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। कहा 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बोले पीएल पुनिया। कहा कांग्रेस और एसपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लालू के दरवाजा खुला रखने के बयान पर जेडीयू नेता गोपाल मंडल ने कहा 2024 तक कहीं नहीं जाएगी जेडीयू, 2024 के बाद देखा जाएगा। इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ने को लेकर यूपी के हापुड़ में बोले आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी। कहा चुनाव की आधिकारिक घोषणा के बाद गठबंधन तोड़ने का बताऊंगा कारण। बरेली में तौकीर रजा ने मुस्लिमों को लेकर दिया भड़काऊ बयान। बयान सोशल मीडिया पर वायरल। 9 फरवरी को जेल भरो आंदोलन से पहले का बताया जा रहा है वीडियो। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का ऐलान। मशहूर गीतकार कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान राम भद्राचार्य पुरस्कार के लिए नामित। 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं राम भद्राचार्य। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद में धतकी मराठा आरक्षण की आग। प्रदर्शनकारियों ने बस चलाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम सिद्धारमैया को दिखाए काले झंडे। सार्वजनिक रैली में जा रहे थे सीएम। बीजेपी विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बैंक खाता फ्रीज मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में आईटी डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। यूपी सिपाही भर्ती में गड़बड़ी करने वाले 122 लोग गिरफ्तार। अलग अलग जिलों से हुई गिरफ्तारी। 15 से 17 फरवरी के दौरान हुई गिरफ्तारियां। बड़ी मात्रा में मिला कैश और चेक। जौनपुर से पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से 6 से 8 लाख रुपए लेने की हुई थी बात। आरोपियों के पास मिले कई छात्रों के एडमिट कार्ड। सिद्धार्थनगर में पुलिस के हत्थे चढ़े 9 मुन्ना भाई। दूसरे की जगह दे रहे थे परीक्षा। पकड़े गए छात्रों में 5 बिहार और 3 देवरिया के रहने वाले। संत कबीरनगर में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा है एक छात्र गिरफ्तार। 20,000 रुपए लेकर दूसरे की जगह दे रहा था परीक्षा। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी। प्रयागराज में भी पकड़ा गया सॉल्वर गैंग। 4 अभ्यर्थी और सॉल्वर गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। परीक्षा शुरू होने से पहले ही हुई गिरफ्तारी। प्रयागराज में पकड़े गए सॉल्वर गैंग ने किया खुलासा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल कराने की थी तैयारी। 10-10 लाख रुपए में हुआ था परीक्षा पास कराने का सौदा। आजमगढ़ में भी हुई मुन्ना भाई की गिरफ्तारी। पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी कराने की साजिश नाकाम। गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। आजमगढ़ में परीक्षा शुरू होने से पहले ही हुई गिरफ्तारी। आरोपियों के पास से 14 लाख रुपए का चेक बरामद। 7,000 रुपए कैश, 6 फर्जी आधार कार्ड, 10 मोबाइल और कार बरामद। मथुरा में भी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पकड़ी गई धांधली। प्रेम देवी अग्रवाल गर्ल इंटर कॉलेज में पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी। अपने रिलेटिव की जगह दे रहा था परीक्षा। आगरा में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले एसटीएफ की कार्रवाई। पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर ले रहे थे 10 से 12 लाख रुपए। आगरा में पकड़े गए सॉल्वर गैंग का खुलासा। आरोपियों ने अभ्यर्थियों से एडवांस लिए थे 20 से 25 हजार रुपए। छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट और चेक कराए थे अपने पास जमा। परीक्षा पास कराने के बाद देनी थी बाकी रकम। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने किया खास इंतजाम। चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेनें।
पटना में हथियार को नोक पर दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, पूरी वारदात का सीसीटीवी कैमरे में कैद, अब तक पुलिस के हाथ खाली। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, गोला नदी के पास दो डंपर और एक जेसीबी सीज। हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी, शनिवार को 14 उपद्रवी गिरफ्तार, आरोपियों में 3 नामजद आरोपी भी शामिल, अब तक 58 गिरफ्तार। राजस्थान के जैसलमेर में वायु शक्ति अभ्यास में वायुसेना ने दिखाया पराक्रम, राफेल समेत 120 विमानों ने प्रदर्शन किया। अभ्यास में अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने पहली बार क्षमता का किया प्रदर्शन, MI-17 हेलीकॉप्टर ने भी जमीनी लक्ष्यों को भेदने में दिखाया पराक्रम। नवी मुंबई में पावने MIDC के गामी इंडस्ट्रियल पार्क के पीछे दो कंपनियों की बिल्डिंग में आग लगी, लाखों का नुकसान। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में कोक ओवन में लगी आग, आग की लपटों के बाद उठा धुएं का काला गुबार। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 9 की मौत, 3 की हालत गंभीर। दिल्ली में स्टील क्वायल रोल से लदी मालगाड़ी पटरी से उतरी, 11 डिब्बे बेपटरी, हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर। दिल्ली के जखीरा फ्लाईओवर के पास मालगाड़ी बेपटरी हो गई, मुंबई से चंडीगढ़ जा रही थी ट्रेन, राहत और बचाव का काम जारी। यूपी के उन्नाव में 45 दिनों के भीतर 453 लोगों में टीबी की बीमारी की पुष्टि, अब तक 5 लोगों ने दम तोड़ा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। श्रीहरिकोटा से इसरो का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसेट 3DL सफलतापूर्वक लॉन्च, GSLV F-14 रॉकेट के जरिए हुई लॉन्चिंग। मौसम में आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा सैटेलाइट, अगले 10 साल तक मौसम के बदलावों के बारे में मिलेगी जानकारी। सैटेलाइट की मदद से जंगल की आग, बर्फबारी और बदलते वातावरण के बारे में मिलेगी जानकारी, वैज्ञानिक बोले काफी मुश्किल था मिशन। राजकोट एम्स में जल्द शुरू होगी IPD सेवा, 25 जनवरी को प्रधानमंत्री कर सकते हैं IPD सेवाओं का उद्घाटन। उत्तराखंड के मसूरी में पहाड़ी से भूस्खलन, त्यूनी मलेथा नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से गिरी चट्टान, करीब 15 घंटे तक बंद रहा हाईवे। नई दिल्ली नगर पालिका ने करवाया इंडो डच कलाकारों के कार्यक्रम का आयोजन, सॉन्ग ऑफ वाटर की थीम पर करवाया गया संगीत समारोह, कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने दी सुंदर प्रस्तुति। लखनऊ में 19 फरवरी को होने जा रहा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की तैयारियां पूरी, सड़क किनारे पर की गई रंग बिरंगी सजावट, कार्यक्रम के दौरान सभी जिलों में होगा भूमि पूजन। शाहजहांपुर में दरगाह के पास खुदाई के दौरान निकली मूर्तियां, भगवान कृष्ण की बताई जा रही मूर्तियां, माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रबंधन पर जोर, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की एक टीम अयोध्या में राम मंदिर के लिए भीड़ प्रबंधन समाधान का प्रदर्शन। अयोध्या में राम लला के दर्शनों के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी, प्रयागराज से अयोध्या पहुंची 25 डॉक्टर्स की टीम, साइकिल से अयोध्या पहुंची देर। अयोध्या में मशहूर फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने की रामलला की नृत्य और राग सेवा, खुद को बताया बहुत भाग्यशाली। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर माइक प्रॉक्टर का निधन, 77 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, सर्जरी के बाद लगातार बिगड़ रही थी उनकी तबीयत। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन, इंडिया को मिली 322 रनों की लीड, अभी भी भारत के 8 विकेट बाकी। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में बनाए थे 445 रन, 319 रन पर सिमट गई थी इंग्लैंड की पहली पारी, तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाकर 196 रन बनाए। जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान अनंतनाग के मारतंड मंदिर पहुंचे सचिन तेंदुलकर, पत्नी अंजलि और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ किए मंदिर के दर्शन, पहलगाम के रास्ते में है मंदिर।